बेचारे असहाय, हमेशा दूसरे को कम आंकते रहे हो ना, इसीलिए आज यहां पर हूं। जागो मूर्खो जागो। अल्लाह, जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, माफ करो। यदि के चक्र को समझो, शायद मैं ही बनूंगा इसके बलि का आखिरी पंखा। मृत्यु सुनिश्चित है। बेवकूफ गधे, अगर इन जैसे अनाथ बच्चों की फ्यूचर एजुकेशन में इन्वेस्ट करना फायदेमंद नहीं है डैडी, तो फिर दुनिया में क्या फायदेमंद है? मेरा बच्चा लेना तो इन सबको मैं सस्पेंड करवा दूं। छोड़ बेटा, बैंक के अपने नियम और इंटरेस्ट होते हैं, कुछ और कर लेंगे। अरे क्या हुआ? बैंक ने फिर से अपने चैरिटी स्कूल की लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है। रिजेक्ट कर दी है? सुनिए, आप अपने दोस्तों से इसके बारे में बात क्यों नहीं कर लेते? नो संध्या नो, मुझसे नहीं होगा, ये सब बहुत चीप लगेगा। इसमें चीप लगने वाली कौन सी बात है, ये पब्लिक सर्विस प्रोजेक्ट है, कोई हमारा बिजनेस प्लान थोड़ी है। यार 15 साल बाद मिल रहा हूँ मैं इन सब लोगों से, पता नहीं इन सब की अपनी लाइफ में क्या क्या प्रायोरिटीज हैं। वैसे भी जहां तक मुझे याद है, इनमें से कभी भी कोई साला सोशल सर्विस में इंटरेस्टेड था ही नहीं। देखो संध्या, कॉलेज के पुराने दोस्त हैं, बहुत सारे उल्टे सीधे काम हमने इकट्ठे मिलके किए हैं, वो सब बातें निकलेंगी तो झटका मत खाना है, जरा तैयार रखना अपने आप को। आमिर भाई, आई अंडरस्टैंड चाइना गिव्स यू वॉल्यूम्स, बट व्हाट अबाउट द बॉटम लाइन, नो प्रॉफिट्स? मेरे मॉडल में वॉल्यूम्स भी हैं और प्रॉफिट्स भी। भाईजान, तुसे चाहो तो मैं तुम्हारे खातिर $4-5 million ऐसे ही कैरो में इन्वेस्ट कर दूंगा। गुड मॉर्निंग मैम, सर इज ऑन एन इंटरनेशनल कॉल, कुड यू प्लीज होल्ड ऑन। आमिर भाई, जो दिखता है और जो सुनाई देता है दोनों में बड़ा फर्क होता है, आके देखो तो इधर, सच्चाई तो अब सामने भी आएगी और नजर में भी। वैसे भी विकास एग्जीबिशन में बहुत जल्द मिल ही रहे हैं। ठीक है, खुदा हाफिज। सर, पलक मैम फोन। बोलो बीवी। आज शाम की पार्टी के लिए तैयार हो रही थी, मेरे पास कोई नया सेट ही नहीं है। मैंने सोचा आपके इतने पुराने और रईस दोस्त हैं तो देवनो वड्डा डायमंड सेट चाहिए। मेरे तेवे ज्यादा चालू हो गया तू। ठीक है, शंकर नु पैसे दे के भेज दा। थैंक यू। ओए शंकर यार, फ्री होकर पलक की शॉपिंग करवा देना प्लीज। आई हैंडल इट, डोंट वरी। तू एडविन के साथ आ रहा है? नहीं जगी, मैं बस कॉफी पी के निकल रहा हूँ। शाम को मिलते हैं दोस्तों, जश्न मनाएंगे। एडविन, if you were to ask me, Rekha has got a very big ego here, and you know it. मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वो तेरे पास वापस आएगी। So in my opinion, you must sign the papers. Edwin papers sign ही नहीं कर रहा है। 34 की उम्र में 24 के देखने वाली बीवी को कोई बेवकूफी छोड़ना चाहेगा? मैं रेखा को और टाइम देना चाहता हूँ यार, और ये सब इतना आसान नहीं है मेरे लिए। Come on, Edwin. अब तू उसको प्यार करने के लिए फोर्स तो नहीं कर सकता यार। Have some self-respect, damn it. मुझे देख। Me and Rekha, we went around for almost 2 years. ये तू जानता है। उसने मुझे तेरे लिए छोड़ा था। Am I cribbing? No. मुझे मालूम था वो वापस नहीं आएगी। ना ही मैं उसके पास वापस गया। So, I'm happy यार।
Life sucks. Shit happens. It's okay. देख शंकर, you and I are two different people. मुझे रेखा की जरूरत है. Come on, Nirmal. At least 25 crore तो होना ही चाहिए. अगर साथ में आप भी हो तो. मतलब? मैं कोशिश करूंगा, लेकिन टाइम लग सकता है. एडविन साहब और आपकी मोहब्बत की निशानी है ये घर. बेच क्यों रही है? एक अकेली औरत के लिए लाइफ बड़ी डिफिकल्ट हो जाती है रेखा जी, फाइनेंशियली और फिजिकली भी. 25 crore निर्मल, अगर कोई बायर है तो फोन करना. और वैसे भी अपने प्रॉपर्टी एजेंट के SMS में मैं प्रॉपर्टी प्राइस की कोटेशंस एक्सपेक्ट करती हूँ. नॉटी जोक्स नहीं. सो टेक केयर एंड प्लीज क्लोज द डोर एज यू लीव. आई हैव अ पार्टी टू अटेंड. गुड बाय. यही तेवर तो दीवाना कर देती है हमें. गुस्से में चेहरे का क्या कलर हो जाता है. ये कलर क्यों कर रहे हो? 15 years, darling. Our whole gang's getting together after 15 long years. So I don't want to shock them, yaar. मैं बिल्कुल वैसा दिखना चाहता हूँ जैसा कि कॉलेज के जमाने में दिखा करता था. बुद्धो, कुछ करो ना मूड चेंज करने के लिए, प्लीज. What happened? आज हॉस्पिटल में एक सप्लायर आया था मुझसे मिलने, कजत के बंगलों की चाबी और पेपर्स के साथ. बोलता मैम, एक हम्बल गिफ्ट आपके लिए. 30 lakh का फ्लैट कोई हम्बल गिफ्ट होता है? ताकि 30 crore के ऑर्डर्स मैं उसके नाम कर दूं. सम पीपल ना रियली हैव द गट्स टू डू सच थिंग्स. नहीं नहीं ते बंगलो इन कर्जत पार्टी शार्टी का काम आता. बुद्धो, ही वाज ट्राइंग टू ब्राइब मी. सो व्हाट, तुम ही डॉक्टर, कोई एंटी करप्शन ब्यूरो की निर्देशिका नहीं हो? हॉस्पिटल का डीन कई दिनों से इनवाइट कर रहा है रात को ड्रिंक्स के लिए. सोचती हूँ चली जाऊं, प्रमोशन मिल जाएगा. वैसे भी मैं कोई एंटी करप्शन ब्यूरो की डायरेक्टर नहीं हूँ ना. शक्ति, व्हाट दैट योर डीन हैज गॉट हॉट्स फॉर यू? या यार, हमें भी मिलवाओ. हमें भी तो पता चले कि व्हाट इज देयर इन यू दैट इज स्टिल फाइंड सो सेक्सी. अब 10 साल के बाद बीवी कम और बहन ज्यादा नजर आती है. हाँ, थोड़ी पीनी और बढ़ा लो, उसके बाद जैन भी बीवी नजर आएगा. हे बुद्धो, हे, लुकिंग यंग बट नॉट सो सेक्सी. तू है ना यार गोल मटोल सेक्सी बॉम्ब, बिल्कुल मेरी तरह. हाँ. Oh my God, how was your day? See, kids are enjoying. I'm telling you, Kavita, you should also come to Canada. हम लोग इतना फन करेंगे, देखना. Definitely. Cheers. जैन, बहुत दिनों बाद तू आया इंडिया. अपने डैड से बातचीत शुरू क्यों नहीं करता? मतलब 9-10 साल हो गए यार. यार नहीं यार, प्लीज रहने दे यार. मतलब मैं जाऊंगा फिर वो कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे, अंजलि को एक्सेप्ट करेंगे नहीं, इंसल्ट कर देंगे, बहस हो जाएगी, मूड खराब हो जाएगा, सारे मूड की माँ बहन हो जाएगी यार, मैं डिप्रेशन में आ जाऊंगा. अच्छा पार्टी की बातें करते हैं ना यार, आज शाम को पार्टी है यार, अच्छा दिन है, कम ऑन यार. तुझे पता है बाला अपनी रशियन वाइफ के साथ US से आ चुका है. सिंडी, सिंडी नाम है. कैंडी. अरे सिंडी, कैंडी दिखने में है. सिंडी गोरी मेमनी है बिल्कुल. बाला के लिए तो पारे भाई. बाला, आई एम वेरी टायर्ड, जेट लैग्ड, कांट मूव एट ऑल. आई विल स्टे, यू कैरी ऑन. सिंडी स्वीटहार्ट, वी हियर जस्ट टू अटेंड दिस पार्टी एंड यू ऑलवेज वांटेड टू सी रियल इंडिया, डिडंट यू? Exactly, real India that I know. Villages, beggars, cows on the road, slums. You were born in. Cindy, what is this fucking attitude all about? We are here to attend this party, and they're not just my friends. Most of them are richer than any damn American you've ever dated with, or ever slept with. Oh, really? Then fuck you and your friends. Okay, Cindy.
Relax yourself, sweetheart. Well, I have something in store for you. I think it's there. Please come in. You're definitely going to like this, sweetheart. Hello, sir. Hi. Well, Siddhi, I've called him to give you a very, very good massage. You'll enjoy. Oh, not bad. हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में यह स्टेडियम का आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ, स्टेडियम वर्ल्ड क्लास का होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि हमारी अगली नस्ल वहां से इलेक्शन लड़े। अगले इलेक्शन में हमने फैसला किया है हमारे होनहार जमाई अमान अली सिद्दीकी वहां से इलेक्शन लड़ेंगे। इट इज ऑल राइट जान, आप खड़ी हो, हम खड़े हो, बात तो एक ही है ना। बात एक नहीं है अमन, हमने अपनी जिंदगी के 3 साल दिए हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को, कोई मजाक नहीं है जान। स्टॉप इट। अरे तो ठीक ही है ना, आपकी मेहनत का फायदा आपके शोहर को ही मिल रहा है, किसी और को नहीं। हमारे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अचानक हमारे शोहर को अपना अच्छा खासा जॉब छोड़कर ये पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का ख्याल कहां से आ गया। शायद खान साहब को पता चल गया कि जो अपनी आवाज पर काबू नहीं रख सकता है वो आवाम पर क्या काबू करेगा। लाइफ इज सो ब्यूटिफुल, इट्स सच अ बैड विग। कम ऑन नाउ, it's your time. Yeah, that's right. आज चले हम फिर से जीने बीते दिन दोबारा। We are rolling back the years when we had no fears, lived of smoking beers. Can you hear? Sweat and tears, A's and A's, bars and gays, love those years. Ain't no black or white, but right and wrong, shades of gray everywhere. It's right, dude, just cheer. We are rolling back the years when we had no fears. बापू इधर इधर, बापू इधर। ओ शिट, अबे ये किसका काम हो सकता है? ये पक्का जग्गी का काम है, जग्गी का काम है। ओए अपना दिमाग ऐसे क्रिएटिव कामों में नहीं चलता है जी बुद्धू। अरे नहीं यार, मैं तो आज ही आया मुंबई से जैन के साथ, ये एडविन का काम होगा, यही कॉलेज में ग्रेफिटी बनाता था। नहीं यार सीरियसली मैन, मैंने ये पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं की है, मुझे तो खुद ईमेल से इनवाइट आया था, वो अपने फेसबुक वाले ग्रुप से। सीरियसली आई स्वेयर मैन, अपने ही शंकर दा काम है,
तभी नहीं आज साला पर की फर्क पड़ता है, अपनी गेट टुगेदर हो गई, कॉलेज की मेमोरीज रिफ्रेश हो गई, मजा आ गया बाय गॉड। ओके वाओ पलक, सच अ ब्यूटीफुल नेकलेस यू आर वेयरिंग। हां या यू आर राइट, मस्ट बी वेरी एक्सपेंसिव। जगी भाई रियली लव्स यू। हां अगर इसकी वैल्यू से उनका रोमांस मेजर करना है तो यू आर राइट पलक, हस्बैंड तो तभी तोहफा देते हैं जब वो धोखा देते हैं। देखो ना, पिछले हफ्ते अम्मा ने मुझे एक होंडा एकॉर्ड गिफ्ट की और आज सुबह ही मुझसे मेरा सपना छीन लिया। आई एम सॉरी गर्ल्स, आई कैन अंडरस्टैंड ओनली वेरी लिटिल हिंदी। थोड़ा थोड़ा कच्चा कच्चा। वेल वाज यू सेइंग दैट आवर हस्बैंड्स गिव अस एक्सपेंसिव गिफ्ट्स ओनली व्हेन दे आर चीटिंग ऑन अस। ओह डिड वी, ओके then I should be very happy because Bala never gifted me anything expensive. In fact, he never gifted me anything except the damn birth control pills. Oh, oh, oh shit! Wow. It's fun. Ab aise hi tham, aise, tharki. Abe, tharki to sabhi hote hain. हमाम में सभी नंगे, फिर काए के पंगे। देखने दो बीवियों को, पतियों की हिस्ट्री देख लेंगी ना तो केमिस्ट्री सुधर जाएगी। एक मिनट। अच्छा यार मैं निकलता हूँ यार, पाजी। ओ पाजी मैं निकलता हूँ यार, अभी रुक, अभी नहीं जाएगा। नहीं नहीं अमान, आई एम सॉरी 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 सॉरी, एक्चुअली काम है यार, जाना पड़ेगा। देखो बट प्लीज डोंट लूज टच विद ईच अदर। आई लव यू गाइस, लव यू। पागल हो गया तू यार, तू जाना है तो जा, पर बीवियों के साथ एक फोटो खिंचवा के जा। चल चल। क्या बोल रहा है दीपक? बाहर सारे गेस्ट लॉक है, गनमैन खड़े बोलते कोई बाहर नहीं जाएगा। कोई गनमैन नहीं, सिक्योरिटी के लोग हैं। चल हम देखते हैं। चल नहीं अमानिए, दूसरे लोग हैं। दिस इज डेंजरस मैन, बिलीव मी, वी आर ट्रैप्ड। जगी बोलो, मारा भेजो मेरे को। इसकी माँ आदि कौन है? पांचो देखो। तेरी माँ आदि सामने होगा। जगी तू ठीक है ना यार? ओए बॉस कोई और है, ये पार्टी के पीछे ना बापू कोई और है, मैं बता रहा हूँ कोई और है। इधर आ। यस सर। कौन है, किसकी पार्टी है ये, किसकी? वो तो पता नहीं सर। अरे हो क्या रहा है सर? वो हमें तो ऑर्डर मिला था क्या कि आप सब लोगों को अच्छे से सर्विस देना है। सर। लेकिन अगर आप में से कोई कुछ भी तकलीफ दे तो ये सर पे लगा कर ट्रिगर दबा देना है। मैडम ये पानी लीजिए। एनीथिंग यू वांट प्लीज लेट मी नो। हाँ थैंक यू। अरे क्या मुर्दों जैसी शक्ल बना रखी है यार। सॉरी गाइस आई एम लेट, आई कांट हेल्प इट, यू नो इट। शंकर किसी साले ने हमें ट्रैप कर लिया है, पैंचो सामने नहीं आ रहा। सालो मैथ्स के पेपर के दिन फिजिक्स का पेपर डिस्कस करते थे, मुझे चू बेवकूफ समझ कर रखा क्या मेरे को? अबे गोलियां चल रही है यहाँ पे, फट के हाथ में आई हुई है, समझा? हाँ गोलियां चल रही है और रूम तुम्हारी लाशों से भरा पड़ा। देखो मैं सिंगल हूं, मुझे सिंगल आउट मत करो तुम लोग, ठीक है? और तुम लोग भी इन लोगों के साथ मिल गए। अबे मेरी हालत देख, ये देख। हाँ हाँ समझ गया मैं, अभी मत पकाओ यार, मत पकाओ। दारू की तरह पार्टी चालू करो ना यार। प्रणाम आत्मन, इतने वर्षों में पहली बार आपने मुझे याद किया हृदय से। ठीक है धन्यवाद, स्वीकार कीजिए। लाइए श्रीमान। कौन है भैया? लाइए सेलफोन, लाइए सेलफोन। अचंभित होंगे आप लोग, उत्सुक भी, स्वाभाविक है, परंतु जीवन में सिर्फ अग्रसर होना ही
सब कुछ नहीं होता। यदा कदा रुक कर ये विचार करना भी आवश्यक होता है कि कहीं पीछे हमसे कोई ऐसी भूल तो नहीं हो गई जिसने हमारे आगे के तमाम जीवन को कलुषित कर दिया हो। ए, कौन है? क्या बोल रहा है? सब बाउंसर है? कोई साइको है बॉस? मैं बोल रहा हूं लग गई अपनी। विराज जी बैठो। जैन मंगतराम पटेल पेड्रो नाम की बिल्ली जिसे तुम नफरत करते थे, राइट? तुम जानते थे कि वो बिल्ली तुम्हारी बीवी और बच्चों को कितनी प्यारी थी। हिंदुस्तान आने से पहले पेड्रो को तुमने उसके पांव में पत्थर बांधकर झील में फेंक दिया और बोला वो कहीं भाग गई। किसको धोखा दे रहे थे? पेड्रो को, अंजलि को, अपने बच्चों को या अपने आप को? How can you do this? This is freaking scary, man. Darling, I'm sorry. Don't talk. अरे कौन हो यार तुम, भगवान हो क्या? वो सब छोड़ो और इस स्थिति के बारे में सोचो जिसमें तुम लोग हो इस समय। चलो मैं तुम लोगों की सोच को सरल कर देता हूं। उपाय एक ही है, मुक्ति, पाप से या जीवन से, निर्णय तुम्हारा है। हाँ करते हैं, ठीक, भिजवा दूंगा, ठीक। हाँ एक बैठिए, चकी बैठिए, चकी बैठ जाओ। इस दीवार का परिचय मैं नहीं समझता जरूरी है। इसी दीवार पर एक साथ विराजकर ही तुम लोगों ने अपने कुकर्मों की शक्ति को पहचाना था। कहते हैं मरने से पहले इंसान की पूरी जिंदगी उसके आंखों के आगे गुजर जाती है। यही दीवार आशा है तुम्हें तुम्हारे पापों को स्वीकार करने की शक्ति भी देगी। तो वही करो, अपने जीवन का एक क्विक रिकैप अपने मस्तिष्क में चलाओ। तुम्हारे ढेरों पाप, सैकड़ों गुनाह तुम्हारे सामने आएंगे, पर वो एक पाप, वो एक गुनाह जो तुम्हें सबसे अक्षम्य लगता है, सबसे संगीन लगता है, उसे चुनो, स्वीकार करो और मुक्त होकर जीवित लौट जाओ। तो पहले कौन इस शक्ति को आजमाना चाहेगा? एडविन वर्गिस। तुम्हें देर नहीं हो रही है। अपना कौन सा दुष्कृत्य, कौन सा अक्षम्य पाप, कौन सा संगीन गुनाह तुम आज सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करना चाहते हो
एडविन वर्गेस। मैं जब जर्मनी गया तो अपने अपनी बॉस को इनकार नहीं कर पाया। उसने मुझे घर बुलाया और हमने पीना शुरू किया और फिर एडविन झूठ नहीं बोलना। एक और झूठ जानलेवा हो सकता है, ध्यान रखना। क्यों रेखा जी, क्या तुम जैसी युवा पीढ़ी की औरत अपने पति की इतनी सी गलती की वजह से उसे छोड़ जाएगी? तुमने तो इससे भी बुरे कर्म किए हैं। क्यों, आओ और अपने पापों को पहले स्वीकार करो। मैंने अपने पति को धोखा तो नहीं दिया है, पर झूठ जरूर बोला है। मैं कॉन्ट्रैक्ट्स पाने के लिए किसी भी हद तक गई हूं, लोगों को खुश करने के लिए। कई लड़कियों को बेचा है मैंने, कुछ भी हो जाए मैंने अपने काम को आगे बढ़ने से कभी भी नहीं रोका है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। Edwin, I've seen a remarkable change in your work since the past few months. I want you to earn more. I want you to grow up in life. I want to make you the vice president of my company. You're so intelligent. You're so smart. You're so hardworking. I want to double up your salary. You know, you make me happy and I'll make you. मैं कुछ नहीं कर पाया। I was trapped, was helpless. Rick had a better job than me. पर उस दिन I was promoted, salary high, power. वो एक अच्छी फीलिंग थी। So I let my boss enjoy with me. I'm sorry, Rekha. I'm sorry. मैं चाहता कुछ हूं और वो करती कुछ है। I had mastered the art of manipulation. लेकिन एक प्लान था मेरे दिमाग में। What would have I done? Even I needed my own fucking identity, damn it! I needed my own fucking identity. अरे, आजकल के स्ट्रगल के दौर में कौन ये सब नहीं करता है? Men have always been more dominating. और ये हमारी रगों में है। तो इसीलिए तुमने कॉलेज में उस लड़की का रेप किया था? हमने कुछ नहीं किया है। हम कोई रेप वेप नहीं किए हैं। वो तो बस मजाक था। अमान अली सिद्दीकी, मजाक और जिना अल जबर, यानी रेप तो अलहदा अल्फाज है। अगर इनके मायनों का फर्क समझते हो तब ही अपना बयान आगे बढ़ाओ। याद रखो, सबको धोखा दे सकते हो, अपने जमीर को नहीं। खुदा कसम, अपने बच्चों का कसम, हम कोई जिना नहीं किए हैं। वो एक फ्रेशर थी। अंधे हो गया, स्टूपिड। अंधा बोलती, अंधा बोलती। विच ईयर? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस मिस्टर।
Everything in campus is my business. चल एक खेल खेलते हैं। जाने दे। हट। ये पेन अपने मुंह में ले और सोच ये हमारा नहीं ले, ले, आप कॉलेज में आई हो इतना तो समझती होगी ना। इफ यू डोंट लाइक द सब्स्टिट्यूट आई लेट यू डू इट विद रियल थिंग। नो 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 टेक इट ऑफ। Yes. Take it. Take this. Good now. Do it. Yes. Very good. अरे भाई, इससे भी बुरा रैगिंग होता है कॉलेजेस में। परसाली ने रिपोर्ट कर दी। वो तो अच्छा था हमारा नाम नहीं जानती थी। बाला ने मैनिपुलेट करके बुद्धा का नाम दे दिया तो फाइनली रिपोर्ट बुद्धा के खिलाफ हो गई। अयो चरसिया, क्या कह रहे तूने? क्या क्या मैंने? टप्प बना टड़ा। हां तो क्या करता है? तेरे को कुछ भी होश रहता है क्या है? अब तो ऐसा कर, तू कुछ दिन के लिए ना इधर से गायब हो जा। मैं संभालेगा। बाद में बाला ने उस लड़की को समझा बुझा कर कंप्लेंट वापिस करवा ली। For that, I gave him 50,000. Finally, नुकसान किसी का नहीं हुआ। अब इसमें हमारा गुनाह क्या है? फौजिया जावेद खान सिद्दीकी, अपने शोहर को ये बताना चाहोगी कि कैसा होता है अगर वो शर्मनाक वाकया उस लड़की की जगह तुम्हारे साथ होता? शायद तब अमान अली सिद्दीकी को अपना गुनाह गुनाह लगे और तौबा की गुंजाइश नजर आए। फौजिया, चिल्लाइए मत। आप ही ने कहा ना कि ये ना गुनाह है ना जिना, सिर्फ एक मजाक है। टर्टल सामने आओ। आप फर्ज करो तुम वो डरी सहमी लड़की हो और अमान और यहां खड़े बाकी लोग कॉलेज के आम नपुंसक दर्शक हैं। हम आपकी जगह नॉमिनेशन भरती है तो उसके घुटने से निकाल रही हो ना आप इतना नीचे कैसे गिर सकते हो फौजिया? अगर हम नीचे नहीं गिरेंगे तो आपके लेवल तक कैसे पहुंचेंगे? वैसे भी बीवी को अपने शौहर के बराबर ही खड़ा होना चाहिए, नहीं? टर्टल, फौजिया जावेद खान सिद्दीकी एक बददिमाग फ्रेशर है और तुम एक ऊंचे रुतबे वाले ताकतवर सीनियर। फौजिया जावेद खान सिद्दीकी को सीनियर्स की इज्जत करना सिखाओ। Hey girl, which year are you in? That's none of your business, mister. अबे हराम कौन? Ah!
असली दुश्मनी निकल रहा है तू सन्ने लोगों के नाल। हिम्मत है तो सामने आ। नहीं, बहुत नहीं हुआ अब तक, फिर भी सामने आ रहा हूँ। पहचान तो लोगे ही तुम सब लोग मुझे, नहीं भी पहचान पाए तो भी मैंने तुम्हें याद रखा है, तो मैं भी तुम लोगों को याद आ ही जाऊंगा। साक्षात प्रणाम आत्मन। तो आत्मन, अब भी अपना परिचय देने की आवश्यकता है या स्मृतियों पर से धूल छट चुकी है? आत्मन, मैं चाहूंगा कि आप लोग इस आई कार्ड को देखें, गौर से देखें। अरे देखिए ना, डबल बैटरी। ओ पंडित नमस्ते नमस्ते। महाराज कहाँ से आना हुआ है? इलाहाबाद। आर के चौबे, भूत का मूत, प्रयाग का पानी, मिस्टर चोटी वाला। सो व्हाट डू थिंक ऑफ माय पॉल्स? कम ऑन बोलो फास्ट। देखिए क्लास का समय हो रहा है, हमें जाना क्लास का समय हो गया, हमें जाना है। सिगरेट? सिगरेट जी नहीं, हम नहीं पीते। सिगरेट ही पीते। अच्छा बच्चा, बच्चा। अच्छा हम चलते हैं। उसका जवाब दो। कम ऑन फास्ट। मैम दे आर नाइस गुड वंस। आई एम टॉकिंग ऑफ माय eyeballs. अबे पंडित, अभी तक तेरा मुंडन नहीं हुआ, कॉलेज के रूल्स नहीं बताओ? नहीं सर। झूठ बोलता है साले। नहीं मैं झूठ नहीं बोलता, हम हमारी अम्मा ने सिखाया कि झूठ बोलना पाप है। अच्छा बच्चा ये बता, अम्मा ने और क्या क्या करने को मना किया? बता 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 बता। एक बात बता, हम सबका नाम मालूम है ना? अरे फेमस गैंग है यार कॉलेज का। चल एक काम कर, एक एक करके हम सबका नाम बता और फिर ये भी बता कि तेरी माँ ने और क्या क्या मना किया है। आजा 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 आजा। बालाजी, बालाजी सर, बालाजी सर, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। दीपक सर, क्रोध करना पाप है। थैंक यू। एडविन सर, अहंकार बुरी बात है, अम्मा ने कहा। ओके ओके। जैगी सर। जग्गी बे, जैगी नहीं। जग्गी सर, वासना भगवान से दूर ले जा। अबे चौबे को सीधा कर, अब बोल। शंकर सर। अरे जल्दी बोल, बोलने में फट रही है क्या? आवाज आवाज आवाज। शंकर सर, हाँ। क्रोध अहंकार
ये सब पाप है सच्ची। आजा, आजा। क्या पीस है यार। अमान सर हाँ। लालच हाँ। हाँ। बुरी बात। अरे हम लालची हूं और रहूंगा। अबे तुम हाथ बड़ा हिला रहे हो। चुप। चल चल। अशुन अशुन। बुद्धदेव सर। बुद्धदेव बासु। मो माया मैडम से दूर रहो। जी सर। चल, चलो निकल। चलो। रोया। मुझे जाने। अबे बोल तो, जोर से बोल। मुझे जाना क्लास। अरे जाने कैसे दें, जाने मन। मुझे जाने। तुम तो महाभारत से निकली हो चोटी वोटी के साथ। मुझे छुआ कर। मुंडन करो, मुंडन करो, मुंडन करो। अबे एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। महाराज का लेने तो दे। क्या? अबे आशीर्वाद यार। पकड़ो तो भैया। मुझे जाने दी। पंडित जी, पंडित जी, प्रसाद दो, किंतु पहले पहले आशीर्वाद दो। साले सीनेस पर हाथ उठाता है। सीनेस पर हाथ उठाता है। मैं ठीक करता हूँ। हाथ सीधे करो। लग गई तेरी। हाथ को लाकर दे। चलो चलो चलो। उंगली अलग, उंगली अलग। ये देखो राकेश चौबे। आप तो मैं आंसू। प्रोफेसर आ रहा है। तेरे रामायण का नया चैप्टर निकलाना तो देख लेना। चल बाद में देखेंगे। तेरे बोल बजाओ तो। चल। सॉरी राकेश, कॉलेज है, चलता है। बंद करो, फाइनल होना है कमरे में। चलो खोल। अबे बिल में से निकल। पंडित जी, मम्मे मम्मे, फाइल इधर। सीनियर्स का मार आएगा। देते हैं ना, सब कुछ देते। बाहर चल। बहुत चर्बी है तेरे को। ये वेलकम गिफ्ट रेखा मैम ने भिजवाया है प्यार से। चुटिया है ये। हो 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 हो। तो फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, यस, पंडित जी का वस्त्र विसर्जन कार्यक्रम आरंभ किया जाए। पंडित जी स्वयं करेंगे या मदद चाहिए? तेरे को किसने बताया नहीं ये पैंट पहनते नहीं है रात को? उधार उधार। मैं जानता हूँ सर जी, इससे गलती हो गई थी। मैंने आपको हाथ लगाया था, धक्का मारा था। आप मुझे क्षमा कर दे। चाहे तो आप मुझे अपने हाथों से बहुत सारे थप्पड़ मार सकते। सीनियर कौन? हाँ तो किसकी चलेगी? अरे बोलो पंडित जी। आपकी। बता रहे पैंट। चल तेरी भैया क्षमा कर दीजिए ना भैया। अब छोड़ यार, जाने दे भैया। करने देना। साले खोल। भैया खोल रहे, खुद खोल रहे भैया। साले भैया खोल रहे ना भैया। खोल रहे, खुद ही खोल भैया। हम खोल रहे हैं भैया। निकालिए भैया। स्ट्रिप्टीज भैया। पंडित जी यहाँ धारी दर कच्चा नहीं चलता है भैया। लेकिन हमारे भैया फाइल चाहिए या भैया? वो सर्टिफिकेट से हमारे भैया। भैया उसे मत चलाइए भैया, हम निकाल रहे भैया। अब उतारे हमारी फाइल मत चलाइए। अरे खोल रहा, खोल रहा, रुक जा। चल। हमारी फाइल मत चलाइए। नहीं चलाइए तो उतारा। दर्शन दो। Oh, not bad at all. अपेक्षा से कहीं ज्यादा। जैन, निकल। हाँ, ये नेशनल पोर्नोग्राफिक की ओर से। पंडित जी महाराज,
पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी क्या हाल है? अबे बढ़िया पंडित जी। बात उन दिनों की है जब मैं एक्सक्यूज मी पंडित जी, पंडित जी दोनों हाथ से पढ़िए नहीं तो लिंक को काट दिया जाएगा। उन दिनों की थी जब मैं गर्मियों की छुट्टियों चाहती पके खरबूजों जैसी भूल रही थी बदन रोम रोम सेक्स के लिए तड़प रहा था। पंडित जी की छुट्टियां तो गई करने ले रहा। राजी है आप लोगों के इन भयभीत चेहरों को देखने के लिए मैंने 15 वर्ष प्रतीक्षा की है। देखिए मिस्टर चौबे, छोटी वाला यही नाम तो आपने मुझे दिया था, भूल गए क्या? देखिए मिस्टर चौबे, जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, पर वो सिर्फ एक मजाक था। तो ये भी तो एक मजाक है। देखो भाई, तुम लोगों ने मेरे साथ मजाक किया, मैं तुम लोगों के साथ कर रहा हूं। तुम लोगों ने मेरे साथ रैगिंग की, मैं तुम लोगों के साथ रैगिंग कर रहा हूं। मेरे जीवन के साथ खिलवाड़ किया था ना, तो मैं भी तुम लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहा हूं। सठे साठ्यम समाचरित, टिट फॉर टैट। देखो राकेश, मैं मानता हूं हमने तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही कर दिया था, पर ये सब हमारे आपस का मामला था, इसमें किसी की फैमिली इन्वॉल्व नहीं थी। फिर तुम, अरे इसमें हमारी पत्नियों की क्या गलती है? मेरी मां रेलवे में क्लास 4 में काम करती थी, जानते उसका क्या सपना था मालूम है? उनका बेटा इंजीनियर बनेगा, पढ़ाई करके इंजीनियर बनेगा, और वही बेटा इंजीनियरिंग कॉलेज से एक चलती फिरती लाश बनाकर तुम ही लोगों ने उसे वापस भेज दिया था, याद है? मुझे बचा, मुझे नंगा मत करो, मुझे क्या? नंगा मत क्या करो। हुआ राकेश बेटे, क्या बात है? मुझे नंगा नहीं, कोई नंगा नहीं करेगा बच्चे, कोई नंगा नहीं करेगा। तेरी माँ है ना तेरे साथ, तेरी माँ है तेरे साथ में, कोई नंगा नहीं करेगा मेरे बच्चे। ना उसका क्या कसूर था, क्या कसूर था उसका, बताओ ना। ऑल राइट, हम लोग मानते हैं कि हम सबसे गलती हुई है, एंड वी ऑल आर वेरी सॉरी फॉर इट। तुम आखिर चाहते क्या? हमने तुम्हें नंगा किया, उसके बदले में तुमने हमें नंगा किया। ऐसा नंगा कियो कि फिर कभी एक दूसरे को फेस कर भी पाएंगे या नहीं? देखो अभी साहब बराबर हो गया ना, खेल बंद करो। अरे हिसाब कैसे बराबर हो गया? जी अमान अली सिद्दीकी साहब, हिसाब कैसे बराबर हुआ? उस शाम की रैगिंग का ये पहला हिसाब था, पहली किश्त। उसकी वेदना को हम झेले 15 साल, तो 15 साल का हिसाब कैसे बराबर हुआ? आप ही हमें समझाइए, समझाइए ना प्लीज, आप ही समझाइए। गलतियां तो किसी के साथ भी हो सकती हैं। अब दूध का दूल्हा तो कोई नहीं ना इस दुनिया में, तुमने तो ऐसा जता दिया जैसे कि हम ही इस दुनिया में सबसे ज्यादा गए गुजरे लोग हैं। इतनी फजीयत करने के बाद भी तुम्हारी भड़ास नहीं निकली, आखिर चाहते क्या हो तुम? ओए छड्डो यार, बहुत हो गया पाप पुण्य का रोना धोना, इसको पैसे चाहिए और कुछ नहीं। ओ बाजी, तू सीधे एक मुद्दे दिखल करो और बताओ कितने चाहिए। हार्ड इनफ ऑफ दिस क्रैप नाउ। ओह
साहल की वेदना के बदले पैसा और इसके बदले तुम लोग दे भी कह सकते हो। चलो ऑफर मंजूर किया, मेरी वेदना का छोड़ो, बताओ क्या दोगे तुम लोग अपनी आजादी के लिए? अगर जीने की ख्वाहिश अब भी बाकी है तो अपने बाकी के जीवन को जीने के लिए क्या दोगे? जानता हूं प्रश्न मुश्किल है, चलो आसान कर देता हूं। प्रत्येक वेदनामय वर्ष का, आई रिपीट, प्रत्येक वेदनामय वर्ष का 1 करोड़ रुपया। तो 15 वर्ष के हुए 15 करोड़ रुपए, 15 करोड़ रुपए दो और मुक्त हो जाओ। 15 करोड़ कोई जेब में लेके नहीं घूमता, मुक्त हो जाएंगे तभी पैसों का अरेंजमेंट कर सकते हैं। आप लोगों की पत्नियां हैं ना, वो जाएंगी, और अब भी आप लोगों को अपने जीवन में वापस पाने की इच्छुक हैं तो ले आएंगे। और हां, अगर कोई भी चालाकी हुई तो यह कहना आवश्यक नहीं है कि आप लोगों की लाशों के अलावा और कुछ भी हाथ नहीं आएगा। आप लोगों की पत्नियों के पास 24 घंटे हैं, तब तक आप पति लोग मेरे आतिथ्य का आनंद लीजिए। रेखा मैडम आप भी जा सकती हैं, इस तथ्य के बावजूद भी कि आप किसी की पत्नी हैं भी और नहीं भी। तो आत्मन, आप लोगों का समय शुरू होता है अब। रेखा, तुझे ये साइको ही मिला था रैगिंग करने के लिए? कम ऑन यार, अब मुझे क्या पता था कि 15 साल के बाद ये साइको ऐसा कुछ कर देगा। और वैसे भी तुम सबके पति थे वहां पर, ऑल मेन आर सेम। मेरा बस चले ना, मैं इनमें से किसी एक के लिए भी एक फूटी कौड़ी खर्च ना करूं। ब्लडी एसोल्स। आई थिंक फौजी इज राइट, दिस गाय इज अ साइको। लुक, I'm a psychiatrist by profession. इसलिए प्लीज तुम सब लोग मेरी एक बात मानो, ऐसा कुछ भी मत करो जिससे कि उस आदमी को गुस्सा आए। आई कांट बिलीव दिस बट आई कांट लेट हिम डाई। रेखा, व्हाट टू डू विद देम? वी विल सी इट लेटर, बट नाउ वी हैव टू रेस्क्यू देम। उनकी स्टोरी सुनने के बाद मैं उनके लिए पैसों का इंतजाम करूंगी तो कैसे? दे आर नेसेसरी ईविल। उनके साथ खुश रहना भी मुश्किल है और उनके बगैर भी। उनका गुनाह है उनका पैसा, हमारा क्या है? दे डालो, यू नो
There's no better pet for a woman in this world than a husband who's caught red-handed. Trust me. कबरा संसार दे दिया धूप छाव ने मिलकर देखो चित कबरा संसार दे दिया देने थे जब झूठे रिश्ते देने थे जब झूठे रिश्ते मन में फिर क्यों प्यार दे दिया धूप छाव ने मिलकर देखो चित कबरा संसार दे क्या बात है जी, इतनी सुबह सुबह अपने चाहने वाले को कैसे याद किया? सी निर्मल, आई नीड टू सेल दिस हाउस टुडे इटसेल्फ। तुमने वो 1,10,00,000 वाला जो ऑफर दिया था वो मुझे मंजूर है, अगर पार्टी आज के आज पूरा पेमेंट करने के लिए तैयार है तो बोलो। देखिए रेखा जी, आज के आज इतनी बड़ी रकम कोई भी पार्टी पेमेंट नहीं कर पाएगी। देखिए हर चीज का एक प्रोसेस होता है, उसे फॉलो करना पड़ता है, और 1,10,00,000 कोई थ्रो अवे प्राइस नहीं है आपके घर का। तो मतलब तुम नहीं कर सकते, राइट? ऐसा मत बोलिए रेखा जी, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, इससे ज्यादा भी दे सकता हूँ। अरे घर में लॉस खा लूंगा और क्या। लेकिन लॉस खाऊंगा क्यों, बात समझ रही है ना आप? क्या बात है रेखा जी, मुझे देने के लिए नई गालियां सोच रही है क्या? अगर मैं ये कहूं that I'm ready if you arrange that money, तो आप बेफिक्र रहिए रेखा जी, मैं शाम होने से पहले पैसे लेकर पहुंच जाऊंगा आपके पास। Yes, इंतजार कीजिए। Yes। मेरी पूरी लाइफ मोनोटोनस और बदरंग सी हो गई है। मैं बनना कुछ चाहता था और बन कुछ गया, और ऊपर से
मिलिट्री नियमों वाली बीवी है। हम बिल्कुल अलग हैं, वो एकदम मिसमैच। मैं चाहता कुछ हूं और वो करती कुछ है। मैं पूरी तरह के कॉम्प्रोमाइज से उब गया था। एक लास्ट चेंज चाहिए था। आज रियूनियन नहीं होता तो शायद मैं बहामास में होता। मैंने कविता को नहीं बताया और ना कभी बताता। मैं एक दिन ऐसे ही चुपके से बगैर बताए चला जाता बहामास फ्रीडम की ओर। बिल्कुल बुद्धा की तरह। बोधी, बुद्धोदा ने तो सारे स्टॉक्स, ऑफिस फर्नीचर सब बेच के कैश बहामास ट्रांसफर कर दिया। बचा है तो सिर्फ एक घर, जैसा आप बोलो। पता नहीं कितना लंबा दिन है, खत्म भी होगा कि नहीं। दिन तो खत्म हो ही जाएगा बुद्धा, पर जो बात उठाना वो नहीं खत्म होगा। मना किया था ना सालो, मना किया था सबसे पहले उस वक्त रैगिंग करने को। अबे रैगिंग हमारी नहीं हुई थी क्या? कोई मेंटली उसे इतना दिल पे ले सकता है? साला जान पहचान बढ़ाने का खेल था। जूनियर अपने रिस्पेक्ट करे, बस इतना ही तो चाहते थे हम, और क्या। चौबे भी तो यही चाह रहा है, अब ले रहा है तुम सबकी वो रैगिंग। करोगे इसकी रिस्पेक्ट? करो इसकी रिस्पेक्ट, लगाओ उस साले की फोटो अपने घर में। चुप करो बे, दिमाग की नसें फाड़ रहे हो क्यों? दिमाग की इजी ए बुद्धो, सुटा दे बे। कॉलेज में आप लोगों के कहने पर ही मैंने रिलैक्स कॉलेज में आप लोगों के कहने पर ही मैंने एक बात आप लोगों से बोली थी जो मेरी माँ ने मुझसे कहा था। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, चोरी, ईर्ष्या, बेटा इन सात पापों से दूर रहना चाहिए, जो मैंने आप लोगों को बताया था। आप लोगों ने मेरी इस बात को मजाक में ले लिया। बताया था ना मैंने, सदियों पुराने इतने बड़े सत्य को मजाक में उड़ा दिया और अब देखो क्या हो रहा है। देख लो अपनी हालत भाई। तभी तो कहते हैं मान लिया करें कभी कभी पुराने लोगों की बातों को। अच्छा एक बात बताओ, क्या लगता है तुम लोगों की पत्नियां तुम लोगों को बचाने पैसे लेकर वापस आएंगी? आएंगी, बिल्कुल आएंगी। क्यों? अरे ये कैसा सवाल कर रहे हो यार राकेश भाई? यही तो प्रश्न चिन्ह है आप लोगों के जीवन पर, यही तो प्रश्न चिन्ह है जो आपके जीवन पर 19 घंटे 24 मिनट आप लोगों के जीवन के अंतिम पल, आप लोगों के जीवन के बचे अंतिम पल, या कोई और भी उम्मीद है आप लोगों के पास? क्या दगा, धोखा, अपमान, कष्ट, इसके अलावा क्या दिया आपने अपनी पत्नी? क्या दिया आप लोगों ने अपनी पत्नियों को? हैं? कैसे चाहते हो कि वापस आएंगी आपके जीवन में आप लोगों को पाने के लिए? क्या मान अली सिद्दीकी साहब, हुजूर हेलो फरमाइए, कुछ कहिए। उसके पास बहुत मुनासिब वजह है हमसे नाराजगी का। बहुत कुछ छीने मुझसे, इस साला सियासत का नशा भी ना बड़ा खुद खर्च होता। अल्लाह माफ कर,
माफ कर। कमिश्नर से बात करता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। अपू, वो पागल शख्स है। 15 साल की प्लानिंग है उसकी इन लोगों से दुश्मनी निकालने की। अगर आपने पुलिस को इन्वॉल्व किया तो हम जिंदा वापस नहीं लौटेंगे। अच्छा तो है, पब्लिक सिंपैथी का पूरा बोर्ड बैंक तुम्हारे साथ होगा। आज तक हिंदुस्तान में मरने के बाद कुर्सी जाते नहीं देखी हमने। जिस शौहर की जिंदगी तुम्हारे पांव की बेड़ियां हैं, उसकी शहादत तुम्हारे पंख बन सकती है। बड़े तनाव में लग रहे हैं बालानंद कुट्टी नारायण। गोरी बीवी काली करतूते, क्या लगता है वापस आएगी या वापस जाएगी? वैसे के स्लम से इधर तक मैं बहुत स्ट्रगल करके आया। मेरे पास इन लोगों की तरह स्ट्रांग फैमिली बैकग्राउंड नहीं था। मैं कॉलेज में ड्रग पैडलिंग करता था। मेरा पुराना भी बाकी है, है? थोड़ा और दे, बढ़ ले आगे चल। That was the only way to bear the expenses of my education and survival. मैं मानता हूं कि मैंने जबरदस्ती बुद्धा से ड्रग एडिक्शन करवाया। ऐसा पढ़ने का समझा? ध्यान से देख। मुझे यूएस जाने के लिए 1,000 रुपीज का जरूरत था। अमान ने जो रैकिंग किया था, मैंने उसे रेप केस बनवा दिया और बुद्धा को उस रेप केस में फंसवा दिया और केस को रफा दफा करने के लिए दोनों से पैसे लिया मैंने। I had mastered the art of manipulation. I have the brains. This combination can make anyone achieve the great American dream. सपनों को इतने भद्दे तरीके से एक्सप्लेन करते हुए मैंने अब तक किसी को नहीं सुना। तुमने अपने कुल के साथ, अपने देश के साथ, अपने और अपनी पत्नी के साथ, और जिस देश ने तुम्हें एक पोजीशन दी उसके साथ, सबके साथ मैनिपुलेशन की है। अब इस स्थिति को मैनिपुलेट करके दिखाओ तो जाने। सॉरी सिडनी, सॉरी एवरीवन। गेट मी द मनी राइट राइट नाउ विनकट, प्लीज। यू जस्ट हैव टू इज बाला ऑल राइट? हैव यू टोल्ड द कॉप्स ओवर देयर? वी कांट, यू सी This is way too complicated. All right, calm down. I'll see what I can do. I can't go through the bank. I will send someone over there. Those guys, they want large bills. Okay, I understand. I'll be on the job right away. Okay, bye. Okay. हाँ, ये बिल्कुल जैन जैसा दिखता है ना? देखो अपने खून को देखकर कैसे पिघल गई बुढ़िया। पापा, आज तक जो बात आपके और जैन के बीच में थी वो आज मुझे भी पता चल गई है। मैं आपका गुस्सा समझ सकती हूँ पापा,
मैं आपका गुस्सा समझ सकती हूँ। ये सच है कि जब मैंने अंजलि से शादी की थी ना, तब मैं ऑलरेडी शादीशुदा था। मेरे पप्पा के कहने पे मैं इंडिया आया। अरे पन पप्पा, मारा मन में छोकरी माटे लव नी फीलिंग नथी। तमारो अरेंज मैरिज नो प्लान मने सारू नथी लग्यो पप्पा। अरे मैं पण तो अरेंज मैरिज कर्या छे, मोटू खानदान छे, छोकरी खूबसूरत छे, दहेज मा होटल खोली ने आपे छे। अरे पण हूँ छोकरी ने जानू नथी ने पप्पा। हूँ जानू छु, पूरा खानदान ने जानू छु। मैंने पप्पा की बात मान ली, शादी कर ली, लेकिन एक प्लान था मेरे दिमाग में। जो डावरी में मोटेल मिलने वाला था, उसकी जगह मैंने इनलॉज से कैश ले लिया, पैसे ले लिए और सीधा कनाडा आ गया। बेचारी रोमिला बेन को उसके सपनों के साथ अकेला छोड़कर, और अंजलि को बिना कुछ भी बताए मैंने शादी कर ली उससे। सॉरी। मेरे पप्पा को सारे पैसे चुकाने पड़े, सोसाइटी में बेइज्जती हुई, बदनामी हुई, कम्युनिटी में तो उनकी सारी साख राख हो गई, ऐसा वो बोलते थे। इसलिए ना वो अंजलि को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सॉरी अंजलि, सॉरी, सॉरी पप्पा। बेटा घबराओ नहीं, पैसों का अरेंजमेंट हो जाएगा। I'm so sorry, और मैं आपको जयन पापा, I'm so sorry। Cheers. Cheers. रेखा जी, गजब की लग रही हैं आप। इस समय तो माइंड ब्लोइंग लग रही हैं आप। सब कुछ परफेक्ट है, ऊंचाई, गोलाई और गहराई। लेकिन रेखा जी, मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मेरी तमन्ना पूरी होने लगती है तो मेरा मन कहीं और मुड़ जाता है। बात समझ रही है ना आप? देखो निर्मल, प्लीज ऐसा मत कहो। तुम जो भी कहोगे, जैसा भी कहोगे, मैं करने को तैयार हूं। अच्छा, जो भी और जिस तरह, ठीक है, चलिए देखते हैं। एक आध ड्रिंक के बाद शायद मन बदल जाए। You know what, Nirmal? I promise you one thing. You'll never forget this moment. But yes, I need this money urgently. तेवर वालों का जब तेवर टूटता है तो मेरा दिल टूट जाता है रेखा जी। आप पैसे ऐसे ही ले लीजिए, इन पेपरों पे साइन कर दीजिए, मैं चला जाऊंगा। जरूरतमंद लोगों की मदद करना मेरा शौक है। ओ, तो तुम फेवर कर रहे हो मुझ पे, राइट? मदद करना चाहते हो। यू नो समथिंग निर्मल, अगर तुम्हारे फेवर और रेप में मुझे किसी एक चीज को चूज करना पड़े ना, तो मैं रेप चूज करूंगी। एंड यू नो व्हाई? रेखा जी, बस यही तेवर देखना था आपका, जिसका मैं शुरू से दीवाना हूं। अब सब ठीक है। ये डील आप कर रही हैं, मैं नहीं। पैसों की खातिर आप खुद को पेश कर रही हैं। लेकिन रेखा जी, बुरे दिखने वाले लोग जरूरी नहीं कि बुरे ही हों। ये पैसे रख लीजिए, अरे फेवर ही समझ के रख लीजिए। और अगर आपका करेक्टर, आपका ईगो अगर आपको ज्यादा परेशान करने ही लगे तो वापस कर दीजिएगा मेरा फेवर। और हां, जाते हुए दरवाजा बंद करके ही जाऊंगा। चलता हूं।
dirty bastard. चलिए जग्गी पाजी, एक खेल खेलते हैं। आओ तू, ये सिग्नल जाना, वो अभी नहीं मिलता। सर काट ले पर बाहर नहीं काट सकता, फिर चाहे जो मर्जी कर ले। काट राकेश, 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 एक मिनट, राकेश, यू कांट डू दिस, राकेश, राकेश, यू कांट डू दिस। अगर तुम जान लेना ही चाहते हो, मेरी जान लो, मुझे मारो। वैसे भी मेरी जान इस जग्गी की देन है। अच्छा अच्छा, जग्गी, ये दिल फेंक जग्गी के पास दिल भी है। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, जब बिजनेस नहीं चल रहा होता है तो स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा होता है। आज इस समय की सिचुएशन से ज्यादा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। चलो ट्रस्ट करते हैं। ओके दीपक सर, आपके पास कन्फेशन करने के लिए कुछ है ना, आप कन्फेशन कीजिए। बोलिए बोलिए, आप अपना कन्फेशन बोलिए बोलिए। जब स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाता है ना, तो कुछ लोग दिन में पीना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग इतने सिनिकल हो जाते हैं कि खूबसूरत चीज को देखकर रोना शुरू कर देते हैं, और कुछ लोग अपने आसपास के लोगों को जान से मार डालना चाहते हैं। मेरी हालत बिल्कुल वैसी ही हो गई थी राकेश, मेरा बिजनेस चौपट हो गया, पैसे सब खत्म हो गए, पैसे मिलने की कहीं से कोई उम्मीद भी नहीं थी। मेरे साथ ऐसी नौबत कभी नहीं आई थी, मैं अपना घर तक गिरवी रखने वाला था। मैं सर से लेकर पांव तक गुस्से में भरा रहता था, अंदर से हमेशा फटा हुआ रहता था। जब मैं घर में घुसता था ना, तो मेरे चेहरे की, मेरे गुस्से की दहशत से घर वाले अंदर कमरे में घुस जाया करते थे। मैंने अपने 11 साल के बेटे को सिर्फ इसलिए पीटा क्योंकि 100 में से उसके केवल 92 मार्क्स आए थे। मैंने अपनी बीवी की पिटाई इसलिए की थी कि एक दिन दाल में नमक कम था। यह हाल था, और उस हालत में इसने, इसने मेरी मदद की, शंकर को, इसने, इस शंकर को बिजनेस में मेरी मदद करने के लिए कहा। तो भाई मैं तो यही मानता हूं कि मेरी जान इसकी देन है। अब भी तुमको जान लेनी है तो फिर लो, मैं खड़ा हूं तुम्हारे सामने, ले लो मेरी जान। संध्या, अपने सपनों के इस स्कूल को साकार करने के लिए आज हमारे पास पूरे 1,83,00,000 रुपए जमा हो गए हैं। 1,83,00,000, बहुत मेहनत की है इसके लिए। इनमें से कुछ FDs हैं और कुछ कैश डिपॉजिट्स हैं, याद रखना। यह पैसा मैं कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करूंगा, ये सिर्फ 100% गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स या कोई और प्रॉपर सिक्योर्ड प्लान में जाएगा। यह पैसा सिर्फ और सिर्फ स्कूल के लिए यूज होगा, यह बात तुम हमेशा याद रखना। ओके, इसको रख दो संभाल के। हेलो रेखा, प्लीज तुम मेरे घर आना, प्लीज। जोगेंद्र सिंह गिरेवाल, अपनी अकड़ में रहोगे या हम अपनी पकड़ मजबूत करें? ए, प्लीज प्लीज है, मत कर। मैं हूं वॉल पर, मैं हूं वॉल पर, मैं जग्गी के बारे में सब कुछ जानता हूं, मैं बताता हूं। मैं
मैं बताता हूँ जग्गी के बारे में। आप जो कोई भी है सुनिए, मुझसे अच्छा जग्गी को कोई नहीं जानता। जग्गी, जग्गी के जिंदगी में एक ही उसूल रहा है, ही नेवर मिक्सेस हिज पर्सनल एक्टिविटीज विद बिजनेस। लेकिन कुछ 6 साल पहले की बात है। रॉबिन, मैं अपने काम को लेकर बहुत ही सिलेक्टेड और चूजी रहता हूं। मुझे तुम्हारे काम करने का अंदाज बहुत पसंद है। अगले महीने हम इटली जा रहे हैं एक एग्जीबिशन को लेकर। मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ चलो। जग्गी और रॉबिन दोनों ने मिलकर इटली में बिजनेस ऑपरेशन शुरू किया, और इस बिजनेस ऑपरेशन के दौरान रॉबिन टुक अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर जग्गीज लाइफ। शी टुक अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर हिज डाइट, हिज वर्क प्लान, हिज ऑफिस शेड्यूल। शी मेड हिम फील लाइक अ किंग, एंड इवन जग्गी स्टार्टेड लाइकिंग हर। और जग्गी का खुद का बनाया हुआ उसूल, उसमें प्लेजर मिक्स हो गया। After that, they both came back to India. और इंडिया आने के कुछ 5 महीने के बाद रॉबिन एक दिन ऑफिस में जग्गी से मिलने आई। Hi. ओए रॉबिन, what the hell? कहाँ थी तुम? आजा आजा झप्पी पा। शादी हो गई बताया तक नहीं। वैसे जग्गी, आई एम प्रेग्नेंट विद योर किड। ओए हेल, कट द क्रैप। आई एम सीरियस। ओके, दिस इज अ नेवर बिफोर सिचुएशन। द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड, अगर तुम सच कह रही हो तो आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ दिस, बट आई डोंट। कितने चाहिए? इसमें भी बिजनेस डील ना। क्या चाहती हो? मैं तो तुम्हारे बच्चे की मां बनना चाहती हूँ। 20 लाख? 2 लाख के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? महीने के? हमेशा। कहाँ चले? पुलिस स्टेशन या प्रेस? कोर्ट। और कुछ 4 महीने बाद अचानक एक दिन रॉबिन का फोन आता है, और उसने बताया कि बच्ची अब नॉर्मल पैदा हुई। आई सॉ जग्गी गोइंग थ्रू हेल, और बुद्धो ने उस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। और पलक, क्या कविता को भी तो कुछ नहीं पता? किसको क्या पता है और किसको क्या पता नहीं, किसी को पता नहीं। शंकर, हमेशा जोगिंदर सिंह ग्रेवाल के पीछे ही छिपे रहोगे, या अपना चाइनीज चेहरा भी बाहर निकालोगे? हाँ हाँ, मेरा एक चाइनीज चेहरा भी है। दरअसल जग्गी जिस आमिर भाई के साथ बिजनेस करता है, वो आमिर भाई मेरा बिजनेस पार्टनर है। हाँ, मैंने जग्गी को धोखा दिया। मैं पिछले 4 साल से चाइना में ऑपरेट कर रहा हूं। What would have I done when I needed my own fucking identity? Damn it! I needed my own fucking identity. I needed my own fucking identity. Oh yara, dil khola hota apne samne, kursi de deta. Oh Rabba, main ki karun? अच्छा घेरा है सनकी ने। दोस्तों के सीक्रेट्स मीडिया में लीक कर देगा चूतिया, नहीं तो रबदी सो अकेले ही दबोच लेता साले को।
आशाएं, आशाओं पर ही निर्भर है सबका बाकी जीवन। कितनी अद्भुत बात है, जिनके जीवन को ठेस पहुंचाई उन्हीं जीवन संगनियों से अंतिम आशा लगाए बैठे हो। कोई तो बात है, विवाह, विवाह इतना प्रासंगिक क्यों है? सामाजिक पशु, ना सामाजिक बन पाया ना पशु बन पाया। ये साला बात बात पे हंसने का लगता है, क्या बोल रहा है कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। बार बार घड़ी देख रहा है साला, पीवीआर टाइम पे नहीं पहुंची तो अरे मेंटल है साला, छोड़ेगा नहीं किसी को। राकेश भाई अमाउंट थोड़ा ऊपर नीचे होएगा तो समझ लोगे ना, मतलब बेचारी लेडीज लोग हैं, अभी इतना शॉर्ट नोटिस पे इतना बड़ा अमाउंट मैनेज कर पाएंगी भी कि नहीं। गरीब बेचारे असहाय, हमेशा दूसरे को कम आंकते रहे हो ना, इसीलिए आज यहां पर हो। जागो मूर्खो जागो, नियति के चक्र को समझो। 10 घंटे में सब कुछ ऊपर नीचे हो चुका है, मृत्यु सुनिश्चित है सबकी या किसी एक की। प्राश्चित बिना मृत्यु के पूर्ण नहीं हो सकता, प्राश्चित बिना मृत्यु के पूर्ण। साला बोलता है किसी की जान जरूर लेगा, पैसा मिल जाएगा तो काहे को लेगा। अरे पैसा मिले तो सही ना बापू, बेविया गई है ना अरेंजमेंट करने। जगी पर शंकर का क्या? हाँ शायद मैं ही बनूंगा इसकी बलिक का आखिरी पकड़ा। ओए तू चिंता ना कर, पलक को मालूम है तो अपनी जिम्मेवारी है, तेरे वास्ते भी अरेंजमेंट करने गई होगी। वाहेगुरु मेरे वोटी दे चिड़िया सरी के दिमाग विच अजय दा ख्याल भी डाल देना प्लीज। तुम प्यार करती हो एडविन जी से, और प्यार करने लायक बंदे भी हैं वो। नहीं जानती पलक, शायद अपने प्यार के रास्ते में अपने ईगो को आने दिया मैंने। उसने जो भी किया उसे करना पड़ा, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई आई स्टिल लव हिम। आई लव हिम अ लॉट पलक। सही कर रही हो तुम रेखा, एडविन जी को बचा कर, उलझन में तो मैं हूं। मतलब? मैं फार्म हाउस गई थी उस दिन जग्गी की बर्थडे पार्टी अरेंज करने। फकिंग मैन, तुमने बस चुपचाप देखकर अपने होठ सी लिए? उस दिन के बाद 1 महीने तक सुन जैसी हालत हो गई थी मेरी, खोसी गई थी खुद में, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, कैसे करूं, क्या कहूं। उस दिन मैंने समझा लिया खुद को कि अब मेरी शादी का मतलब चक्की के पैसे, शान और शौकत से है। बदला लिया मैंने चक्की से। चक्की ऑस्ट्रेलिया गया था और तब मैंने शंकर को अपने घर में बुला लिया और फिर मैंने पहल की। मैं घबरा भी रही थी और
खुद से नफरत भी हो रही थी, लेकिन एक एक्साइटमेंट थी, वो प्यार था रेखा। बार मैंने प्यार को महसूस किया उस दिन, मैं जो प्यार की बाहों में गई और आज भी हूं। हां रेखा, मैं शंकर से बहुत प्यार करती हूं। रब दी सौ, मुझे जगी की कोई परवाह नहीं है, फिक्र है मुझे सिर्फ शंकर की। मैं तुम्हें पैसे देती हूं, तुम प्लीज जाके शंकर को बचा लो और कोई तुम्हारे ऊपर शक भी नहीं करेगा। पलक, सब जानते हैं कि मैं एक दिन में 2 करोड़ रुपए का इंतजाम नहीं कर सकती हूँ, और फिर एडविन को मैं क्या? तो एडविन को तुम बता देना, सब कुछ सच बता देना। तुम्हें वापस पाकर उसे जो खुशी मिलेगी वो ही काफी है मेरे लिए। तो तुम जग्गी को नहीं बचाओगी? नहीं, डोंट बी स्टूपिड पलक। वो जब वापस आएगा तब तुम उसे क्या बोलोगी? वो जो पागल है वो बात का पक्का लगता है, उसे पैसे नहीं मिलेंगे ना तो वो जग्गी को जिंदा नहीं छोड़ेगा, और मैं वही चाहती हूँ। देख पलक जान, जग्गी कभी भी वापस आया तो उस वक्त तक ना तुम्हारे पास प्यार रहेगा, ना ये पैसा और ना ही शोहरत। सो व्हाई डोंट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड? और वैसे भी तुम अपना बदला ले चुकी हो यार, फिर क्या चाहिए तुम्हें अभी? और रेखा, तुम शंकर को बचा लो, मैं वहां वापस जाने वाली नहीं हूं। और हाँ, तुम प्लीज शंकर को ये दे देना। मैक्सिमम इतने कम समय में मैं कर पाई मैंने किया। आप किस जरूरत से कम हो सकता है, पर बस इतना ही हो पाया। मेरा बच्चा बहुत छोटा है, उसे अपने बाप की जरूरत है। प्लीज प्लीज आप, आपके मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके। प्लीज मेरे पति को जाने दीजिए, प्लीज मेरे पति को जाने दीजिए। इसकी कोई आवश्यकता नहीं, मुझे आपके प्रयासों पर पूर्ण विश्वास है। जीवन अपना हो या पराया, उसका पूर्ण सम्मान करना चाहिए। बस इतना सा पाठ था जो आपके पति को समझना चाहिए था, है ना? मैं जानता हूं कि मैं कीमत ज्यादा ले रहा हूं, लेकिन मेरा विश्वास करो, सौदा महंगा नहीं है। जैन मंगतराम पटेल को स्वतंत्र किया जाए। थैंक यू सर। लिसन, आई नो सॉरी इज अ स्मॉल वर्ड, बट I mean it when I'm saying I'm sorry. You know, Jayan, you were so wrong. So wrong. But guess what? I still love you. And that's why I'm gonna forgive you. Thanks. Love you, Anjali. Love you. Mom? Some people have taken Bala for hostage here. What? They are asking for lots of money for a ransom. Did they touch you? Are they Al-Qaeda? No, nothing like that. It's all complicated and just needed to tell you, you know, to take it off my head.
I'm trying to organize the money. Look at where he has landed you. You are not going anywhere with the money. All terrorists want Americans. They are not going to let you go back. Just board the next flight back home. They're not terrorists, Mom. I don't care. What if they don't send him back and keep the money? You will have no husband and no money. Keep the money. If something happens to him, you will have the money and insurance money also. Are you drunk? Sudhir, tum chal diya jana, please. Please come. Come soon, Sudhir. बहुत कुछ छीने हैं मुझसे, पर कुछ अच्छा दिए भी हैं। मेरी मोहब्बत की बहुत सी निशानियां हैं उनके पास, अगर मौला याद आई तो। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, अभी तक खेल रहे हो, सोए नहीं? मम्मी अबू कहाँ है? आ जाएंगे। हाँ नहीं, हमको अभी मिलना है। नहीं मम्मी, हमें आज ही मिलना है। नहीं मम्मी, हमें आज ही मिलना है। हमको आज ही मिलना है। फौजिया जी। अम्मी। बेटी, आज पहली बार कुछ अलग होगा। मैं खान साहब के खिलाफ जाऊंगी और तुम अमान के साथ। ये चाबी ले लो और पैसे निकाल लो। थैंक यू अम्मी। किसी को भी अपनी बीवी लोगों पर विश्वास नहीं था, लेकिन हमको था कि हमारी जान जरूर आएंगी हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। शौहर तो बड़े कमजोर निकले, मगर बाप, बाप अच्छे साबित होना। चलिए जान, अगर आप चाहें तो। हमारे अकेले जाने से कुछ नहीं होगा मन। चलिए मिलकर कोशिश करते हैं अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए। वो जो 70 माँ की ममता रखता है, शायद हमें हमारा गुनाह माफ कर दे। ये एरविन के पूरे 2 करोड़ हैं और शंकर के कुछ 40 लाख कम। बोनस मिल गया। ये जान के खुशी हुई कि न सिर्फ एडविन के लिए आप आई हैं, बल्कि शंकर के लिए भी आप वापस आई हैं। प्रसन्न हुए हम। शंकर, दिस इज फॉर यू। थैंक्स रेखा। बेस्ट ऑफ लक एडविन, बेस्ट ऑफ लक टू यू। कैसे किया इतने पैसों का इंतजाम? खुद को यह एहसास करवा कर कि लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग ऑफ लव इज मोर इम्पॉर्टेंट देन अ मीनिंगलेस सेक्सुअल रिलेशनशिप।
तो तुमने घर बेच दिया? नहीं, ब्राइब ले ली। तुम्हारे बाबा को मैंने कसम दी थी कि मैं तुम्हें किसी संकट में नहीं आने दूंगी। उनके सम्मान में मैंने अपने जमीर का सौदा कर दिया। प्रथम और शेष बार हैव अ गुड टाइम एट बहामास। राकेश भाई, एक फोन सिडनी को, चिकन ग्रेट अमेरिकन ड्रीमर को फोन दिया जाए। थैंक यू। हेलो लिमेरिजन, स्वीट 11 प्लीज। आई एम सॉरी सर, योर वाइफ हैज चेक्ड आउट, शी हैज लेफ्ट फॉर एलए। मिस्टर बाला गोरी आतंकवादी समझकर भाग खड़ी हुई। फ्लाइट नंबर CP4612, 7:05, राइट? ट्रांसफर किए हुए पैसे का जानते हो क्या हुआ? वो गोरी गोली की तरह लेकर भाग गई सीधा अमेरिका। बाला, हाथ ऊपर, उंगलियां अलग अलग, उंगलियां अलग, हाथ अलग। अटेंशन अटेंशन अटेंशन। चिकन, दोनों को यहां ले आओ। श्रीमती पलक जोगिंदर सिंह गरेवाल, ये धन जो आप लाई हैं, अगर नहीं भी लाती तो भी ठीक रहता, क्योंकि जग्गी को तो मेरे साथ जाना ही है। जग्गी को तो मेरे साथ जाना ही है, मेरे सर्वनाश का सूत्रधार है ये। इतनी संपदा है तुम्हारे पास, फिर भी खाली हाथ जाओगे इस नश्वर संसार से। जग्गी बाबू, ये जो जिंदगी की कैद है ना, ये बड़ी अजीब कैद है। व्यक्ति मुक्त होना चाहता है और मुक्त होने से डरता भी है। ओ, मैंने कहा ना प्रवचन नहीं सुनना। हाँ, कितनी मैंने तेरी रैगिंग। चला गोली। चलिए आत्मन। कही आत्मन, क्या आखिरी आदेश है? ओए, आखिरी आदेश बाद में देखेंगे, पहले फोन करना है, बीवी से बात करनी है। चल फोन दे। फोन पेश किया जाए। ओ बीवी सुन, तेरा नाराज होना बिल्कुल जायज है, गलती हुई है मुझसे। मेरा तो पता नहीं क्या होना है, क्योंकि ये सड़की मेरे सामने खड़ा है बंदूकताने। अब तो बिल्कुल अकेली है इस दुनिया में, और तुझे अकेले ही लड़ना है।
पर मेरे किसी दोस्त पर भरोसा मत करना, शंकर पर भी नहीं। पलक, मेरे लखों गलतियों के बावजूद एक सच तू जान ले, मैंने प्यार सिर्फ तुझे से किया है। और वो बच्ची अपनी जिम्मेवारी है पलक, संभाल लेना। बस चलिए आत्मन, तैयार हो जाइए उस ईश्वर से मिलने। और वो बहमास नहीं गए, लेकिन जग्गी यहां हर महीने जरूर आता है। हाँ, बाकी सबको डर ने और जग्गी को उसके प्यार ने ठीक कर दिया। लेकिन हाँ राकेश, वो जब अचानक गोलियां चलने लगी थी ना, तो मैं घबरा गया था यार, ये तो हमने डिस्कस ही नहीं किया था। दीपक, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम उन बच्चों को अच्छा व्यक्ति, अच्छा सामाजिक पशु बनाना, बाकी सब प्रासंगिक रेलेवेंट हो जाएगा। करो प्रार्थना, मांगो मन्नत, यही अरज स्वीकार करो। करो प्रार्थना, मांगो मन्नत, यही अरज स्वीकार करो। शक्ति पुंज सा दिल में जल कर, शक्ति पुंज सा दिल में जल कर, मन में तुम
चाह।